वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टीम अरुण भूमि एंड निहोन भैया हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज बोम दिला का बात सुनने के लिए। मेरा नाम मिस्टर रंजीत रामनाथू, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बोम दिला, एंड दिस इज माई जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राजू सिद्धिसो, एंड दिस आर ऑल दी इंडिजीनियस बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट कमल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेज बोम दिला। एंड आज का प्रेस ब्रीफिंग के बारे में मेरा जीएस और अच्छा से आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग, माई सेल्फ राजू सिद्धिसो, जनरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला, स्टूडेंट यूनियन। तो आज का मुद्दा और आज का ब्रीफिंग इसलिए आया था कि जो कुछ दिन पहले हमारा कॉलेज स्टूडेंट लोग ने आकर ब्रीफिंग दिया था कि जो कि आने वाला 15 जनरल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए कुछ ब्रीफिंग दिया था, जो कि ऑल वेस्ट कमिंग स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के लिए। तो आज का मुद्दा ये था कि जनरल सेक्रेटरी आई एम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इश्यूज एंड एनी प्रॉब्लम्स ऑफ इंटर गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला। तो कुछ दिन पहले मेरे स्टूडेंट लोग ने ही आकर ब्रीफिंग दिया था, जो कि बिना पूछे, जो कि बिना परमिशन जाने गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला से जो बीइंग इलेक्ट हुआ है, मैं एक सेलेक्टेड लीडर नहीं हूँ। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसी दिन कुछ ही दिन पहले जो ब्रीफिंग दिया था, वहाँ में कुछ लोग जो है जो कि वेस्ट कमिंग का इंडिजिनियस स्टूडेंट नहीं था, जो कि इस कमिंग का था, जो कि और कुछ और बाहर का था, जो कि उन लोगों ही आकर ही ब्रीफिंग दे रहे। इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ऑल द डिटेल्स। सो फर्स्ट पॉइंट जो कि कंपोजिशन को लेकर, डेलीगेट्स को लेकर उन लोगों ने ब्रीफिंग किया था, जो कि कुछ दिन पहले रिजल्ट भी आउट नहीं था, तो एक दिन ही आगे में ही रिजल्ट आउट हुआ, जो कि जय ओसो ने 740 कॉलेज इंटर एक ही कॉलेज है जहां में इस कमिंग का भी, वेस्ट कमिंग, तवांग एंड नॉन ट्राइबल नॉन एसटी सभी को मिलाकर 740 कॉलेज सर इन अवर गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला, जो कि यहाँ में दिया है ऑलरेडी 450 डेलीगेट्स विच वॉज डिवाइडेड टू ऑल दी इक्वली एंड सभी को इक्वली दिया हुआ है, जो कि सभी ट्राइब्स को, सभी हर कोना सिक्स ट्राइब्स को दिया हुआ है। सो ओनली रिमेनिंग 50, जो कि कॉलेज में 500 स्टूडेंट जो है ओनली इंटर वेस्ट कमिंग, जो कि 6 ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि उसी दिन कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आने का कारण आउट ऑफ 500 में 50, मोर देन 50 वाज फेल। सो विच मीन 450 प्लस एंड 50 विच मीन देयर इज 500, ऑल द कॉलेज आर इंक्लूडेड इन डेलीगेट्स। सो मेरा कहना ये था कि सभी को राइट्स मिल रहे, जो कि जितना बच्चा कॉलेज में है सभी को राइट्स दिया है। सो मेरा तरफ से तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इक्वली मिला है, इक्वली मिल रही है, और जितना भी ट्राइब्स है उन लोगों को भी सभी इक्वली डेलीगेट्स दिया हुआ है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला स्टूडेंट यूनियन, मेरा तरफ से ये एक सही है जो कि इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइडेड लिया है एंड देयर टीम, जो कि सभी वेस्ट कमिंग में यूनिटी लाने हैं और वेस्ट कमिंग में इक्वली ट्रीट ही दिया हुआ है। एंड और दूसरी बात, यहां में ओनली वेस्ट कमिंग में हम लोग 6 ट्राइब्स रहते हैं, जो कि कॉमन में ऑल वेस्ट कमिंग स्टूडेंट यूनियन में गिना जा रही है, जो कि आने वाला इलेक्शन उसके लिए फाइट कर रहे, जो कि सभी को राइट्स मिलो। सो सभी को राइट्स दिया है, मिल रही है, और जितना भी यहाँ में कॉलेजेंस है उसी को अपना अपना राइट्स दिया है अपना एक सीबीएसयू का थ्रू से। और मेरा जहाँ तक मेरा कॉलेज में है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन जिन लोगों को इक्वली नहीं मिल रहे
राइट्स नहीं मिल रहे, उन लोगों के लिए मेरा ड्यूटी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते कि उन लोगों के मैं फाइट करने के लिए, नॉट द अदर यूनियन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. We are completely satisfied with the delegates' composition, which was given by the Chief Election Commissioner of AKSU for the upcoming AKSU election. तो कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज में 740 बच्चा स्टूडेंट्स है सभी, जो कि पूरा एंटायर अरुणाचल से आते हैं यहाँ पे. बाकी तवांग हो गया, ईस्ट कमिंग एंड वेस्ट कमिंग के इंडिजिनियस बच्चा सभी को मिला के 740 स्टूडेंट्स हैं. तो कहीं ना कहीं उसमें से 240 स्टूडेंट्स ऐसा आपका नॉन इंडिजिनियस है, कहीं ना कहीं नॉन APSC है या फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है. तो जहाँ से मिला के हम लोग का टोटल बचता है 500 बच्चा. ये हम लोग का वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का जो इंडिजिनियस है, जो बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपका टोटल बच जाता है 500 स्टूडेंट्स. जहाँ की आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आने वाले AKSU इलेक्शन के लिए 450 डेलीगेट्स दिया है, वो भी कहीं ना कहीं सभी CBSU का राज्य को मिला के, सभी को किसी को पीछे नहीं छोड़ के, इक्वलिटी को मिला के सभी ट्राइब को बराबर आपका डेलीगेशन दिया है 50-50 करके. तो कहीं ना कहीं इस सबसे हम तो सहमत हैं. एंड जो बस गया ना 50 स्टूडेंट्स, जिसको लेके हम लोग इतना, हम लोग आने एक दो दिन पहले हम लोग का जो स्टूडेंट्स रिपोर्ट बोल रहा था कि सबको राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो साथ में रिजल्ट कल ही आया हम लोग RGU से, तो उसमें से हम लोग ये भी पाया कि हम लोग कॉलेज से 50 प्लस बच्चा तो फेल भी है कहीं ना कहीं. तो ऐसे देखने से तो हम लोग का 450 बच्चा जो कॉलेज का बच गया स्टूडेंट्स, जो कि वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का बोनाफाइड स्टूडेंट्स है, तो उन सभी को राइट्स मिल रहे. तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो डेलीगेट्स कंपोजिशन को लेके एकदम टोटली अग्री करते एंड सेटिस्फाइड है. एंड कहीं ना कहीं हम एक अप्रिसिएशन देना चाहेंगे हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हम लोग का हिस्ट्री में, AKSU का हिस्ट्री में इलेक्शन होने जा रहा है, एंड उसको अच्छी तरीके से कंडक्ट करा रहा है. उसके बाद आपका सभी को अच्छा से डेलीगेशन दे के वोटिंग राइट भी मिल रहा है. एंड हम ये चाहते हैं कि सभी, एंड हम ये चाहते हैं एंड ये हो रहा है कि सभी को इक्वली राइट भी मिले सभी ट्राइब को. एंड लास्टली उस दिन हम लोग का जो स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया था कि RGU में ओपन ट्यूबल होता है जब आपका AKSU इलेक्शन होता है, एंड हम लोग का DSU में जब इलेक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज एक लोटा कॉलेज है, उसमें ओपन ट्यूबल क्यों नहीं है. जब आपका RGU में इलेक्शन होता है वो तो आपका, जब आपका AKSU में इलेक्शन होता है तो उसमें ओपन ट्यूबल इसलिए होता है RGU जो, क्योंकि उसमें पूरा एंटायर आपका अरुणाचल प्रदेश का बच्चा जो आता है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए उसको ओपन ट्यूबल करते हैं. एंड उसके लिए भी आपका एक कंपोजिशन बनाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके हिसाब से RGU भी चलता है कहीं ना कहीं. तो इसी प्रकार जब हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज बमदिला को ऐसा कंपोजिशन दिया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो हम लोग उसी हिसाब से किया. एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ अभी हम लोग को भी, जब हम लोग भी सोचा कि हम लोग को बच्चा राइट्स नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जब हम डिस्कस किया एंड पाया कि जब हम लोग अपना से होमवर्क किया एंड पाया एग्जामिन करके देखा कि नहीं, हम लोग को बच्चा को सभी को तो राइट्स मिल रहे, इसीलिए हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग एक दिन लेट भी दे रहे हैं. हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग देखना चाह रहे थे कि हमारे कॉलेज का बच्चा कितना फेल है, कितना पास है, कितना यहाँ का वेस्ट कमिंग का आपका इंडिजिनियस स्टूडेंट है, बोनाफाइड स्टूडेंट है, एंड कितना नहीं है. तो ये सबको देख के हमको लग रहा है कि, एंड ये है कि आपका जो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का, वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का बोनाफाइड स्टूडेंट है, सभी को राइट मिल रहे, इसलिए हम कंप्लीट सेटिस्फाइड है. एंड वंस अगेन हम थैंक करना चाहेगा हमारे टीम अरुण भूमि को एंड निहोन भैया को कि हम लोग का बात सुना. एंड उस दिन जो हम लोग का मुद्दा था, जो हमारे कॉलेज के बच्चों ने उठाया था, जब हम स्टूडेंट्स सब ने, तो उसको आज हम अच्छी तरीके से क्लियरफाई किया. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच टीम अरुण भूमि.